नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। दूसरी लहर में अब धीमा पड़ रहा कोरोना केसेस। 111 दिनों बाद एक दिन में 34,703 नए केस मिले, रिकवरी रेट भी। कैबिनेट विस्तार पर पीएम मोदी के घर आज शाम होने वाली बैठक की गई रद्द। प्रधानमंत्री के संभावित वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने इंतजामों का लिया जायजा, रात में किया विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण। रिवर फ्रंट घोटाले में देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को पीएम की श्रद्धांजलि। पीएम बोले, अपने जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया, उनके आदर्श करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उनके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सभी थानों के ओसी के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनकाउंटर पॉलिसी को सही का। साथ ही सीएम हिमंता ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। एयरबेस पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद अब नक्सलियों की ड्रोन वाली साजिश का हुआ पर्दाफाश। नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की रेकी के लिए कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके हरियाणा के झज्जर में था। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाने वाली युवती को मिलती रहेगी सुरक्षा। उत्तराखंड में आज मॉल भी 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। सरकार ने कुछ रियायतें देते हुए कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।